नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रूव करना कि जो भी ओड नंबर होंगे तीन से बड़े वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे 6n+1 या 6n+5। और ये प्रूव करना है कि हर एक नंबर 6n+5 टाइप का नंबर 6n-1 टाइप का होगा। तो हमने क्या माना, मान लिया कि n ऐसा ऑड नंबर है जो तीन से बड़ा है। अब हम इसे n को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि दो नंबर मिलेंगे क्यू आर सच दैट एन इक्वल टू 6Q+R वेयर आर की वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 6। ये आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये पुट कर दी तो ये एन की ये वैल्यूज आ गई। अब ये देखा कि एन की ये चार वैल्यूज उसने अलग अलग उठाई हैं, सभी में कुछ ना कुछ कॉमन 2 या 3 आ गया। तो इसका मीनिंग जो एन है उसके दो फैक्टर हो गए कम से कम, ये दिख रही है इधर जो एक से बड़े। तो इसका मीनिंग हर केस में एन जो हो गया वो कंपोजिट हो गया, लेकिन हमें नंबर कैसा चाहिए था, प्राइम। तो इसका मीनिंग ओड प्राइम केवल तीन से जो बड़े होंगे वो या तो 6n+1 या 6n+5 टाइप के ही बचे दो, क्योंकि चार पॉसिबिलिटी यहाँ से हट गई। अब यूँ देखा कि उसने 6n+5 को ऐसे लिख दिया एक ऐड और माइनस करके, इस टाइप का नंबर बन गया। इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि जो भी ओड प्राइम होगा 6n+5 टाइप का वो 6n-1 टाइप का ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना है कि देर आर इनफाइनेटली मैनी प्राइम ऑफ दिस फॉर्म 6n-1। ठीक है, तो हमें क्या किया, हमें पीछे वाले कंसेप्ट से पता है कि 6n+5 टाइप का नंबर 6n-1 टाइप का भी बनेगा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम है जो ये 6n+5 टाइप के हैं। तो मान लिया कि 6n+5 टाइप के नंबर फाइनाइट हैं, क्या उनमें सबसे बड़ा प्राइम है। अब ए को उन सब प्राइम का प्रोडक्ट लिख दिया जिनमें लास्ट का प्राइम क्यों होगा।